चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शून्य कोटि का विक्रिया का व्यंजक, प्रथम कोटि की विक्रिया का व्यंजक। चलिए उसके आगे का प्रोसेस, उसके आगे की क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग शून्य कोटि का विक्रिया भी देखे थे, वहां भी तीन चीज निकाले थे, उसका व्यंजक, उसका के का इकाई, उसका अर्ध आयु का फार्मूला। प्रथम कोटि में अगर चले थे तो प्रथम कोटि में भी हम लोग वही काम किए थे, तीन चीज निकाले थे, पहला व्यंजक, दूसरा के का इकाई और तीसरा अर्ध आयु। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रिक का, एक छोटा सा ट्रिक है जिससे अक्सर सवाल पूछता है, उसका के का इकाई। तो आज हम लोग ऐसा कुछ ट्रिक सीखेंगे जहां पे के की इकाई आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जरा ट्रिक को समझिएगा कि ट्रिक क्या बोल रहा है। ट्रिक, पहला ट्रिक ये बोल रहा है कि हम लोग वेग कैसे निकालेंगे, वेग को कैसे निकालेंगे। तो वेग निकालने का जो ट्रिक है, वेग को तो पता है ना, dx by dt से सूचित करते हैं, a माइनस एक्स के पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर, नंबर का मतलब संख्या। अगर प्रथम कोटि रहेगा तो यहां पर रख देना है 1, जैसा कि हम लोग प्रूफ में भी इसका इस्तेमाल किए थे कि अगर शून्य कोटि का था तो यहाँ 0 रखे थे, अगर प्रथम कोटि का रहेगा तो यहाँ पे पावर 1 रखेंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग यूज करने के लिए ट्रिक का फॉर्मूला k की इकाई, जहां k का मतलब क्या है, तो k का मतलब वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई, k को बोलते हैं वेग स्थिरांक। और इसका इकाई का वैल्यू निकालने के लिए भी ट्रिक है, उसका ट्रिक क्या है, k की इकाई बराबर इसका है, पहले आप मोल लिखिए, मोल पर लीटर, और इसका पावर दे दीजिए 1 माइनस एन और इनटू में सेकेंड के पावर माइनस 1। यानी कि प्यारे छात्रों, जो हम लोग को दो ट्रिक है उस पर जरा हम लोग ये तो लिख लेना है, और उसके नीचे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसको करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा कि अगर हमें पहला सवाल है कि शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग का मान बताइए, के लिए वेग कितना होगा, तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, dx by dt, यहां पे सॉरी k लगाना ना भूलेंगे क्योंकि समानुपाती को हटाकर k लिखते हैं, तो गलती से छूट गया था, dx by dt k a माइनस एक्स के पावर कितना, शून्य है तो यहां n के जगह पे 0 रख देंगे। और किसी भी 0 का पावर कितना होता है, पावर किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k हो गया। अच्छा, शून्य कोटि का अगर इकाई, k की अगर इकाई अगर निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n, तो n के जगह पे क्या, शून्य कोटि के लिए k का इकाई, तो 1 माइनस 0, और सबके पावर समय सेकेंड, सेकेंड के पावर माइनस 1 प्रति समय या प्रति सेकेंड सब में लगाना है, लगा दिए। अब हम जानते हैं कि 1 में किसी संख्या को घटाते हैं 0 को, तो 1 में से 0 गया 1, और इसका पावर 1 का मतलब ऐसे ही ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका पावर 1 का मतलब वही जस का तस और सेकेंड लगा देंगे साथ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अब चलिए, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं, और यहां शून्य के जगह पर बनाते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि जैसे ही रहेगा तो यहां पे हो जाएगा dx by dt is equal to k a minus x के पावर 1, या फिर 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम कोटि का वेग। लेकिन प्रथम कोटि के लिए k का इकाई कैसे निकालते हैं, तो मोल पर लीटर तो सब में करना है, यहां 1 माइनस एन देना है, तो यहां 1 माइनस एन का जगह पे जी 1 कर दिए, क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि था, तो नंबर यहां रख देंगे 1 और समय के पावर माइनस 1। तो यहां पे क्या बनता है, मोल प्रति लीटर 1 में से 1 गया 0 और समय के पावर माइनस 1। तो किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1, और इसको गुना करेंगे तो प्रति समय।
इसलिए प्यारे छात्रों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेवियाई है, इसका के का इकाई पूछता है अक्सर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा, या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का इकाई क्या होगा, तो प्रति सेकेंड या प्रति समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से आता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करते हैं, जरा अब एक एग्जाम्पल नंबर तीन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब की हम लोग प्रथम कोटि के बजाय हम लोग इसको करते हैं चेंज, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, द्वितीय कोटि हम इसी में चेंज कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, आप अलग अलग लिखिएगा। इस ट्रिक को लिखने के बाद उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर वन टू थर्ड को दिखा दीजिएगा। फिलहाल ट्रिक जो है दो ही चीज का निकालने का ट्रिक है, वेग का और के इकाई का। आप सोच रहे होंगे कि सर अर्ध आयु का भी बता देते, तो उसका कोई होता नहीं है, उसके लिए अलग अलग सिचुएशन करना पड़ेगा, अलग अलग उतना प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग प्रूफ किए थे शून्य के लिए और प्रथम कोटि के लिए, वैसे ही। हालांकि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि शून्य कोटि का भी आपको रिविजन नहीं करना है, आप प्रथम कोटि का विक्रिया का व्यंजक प्राप्त करने का रिविजन कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ वेग निकालने के लिए बोलेगा, तो dx by dt k, चूंकि द्वितीय कोटि है तो यहाँ पावर 2 दे देंगे बस, और k का इकाई इसके लिए पूछेगा तो यहाँ 1 माइनस, और यहाँ पे क्या दे देंगे n, तो द्वितीय कोटि है तो माइनस 2, तो 1 में से अगर माइनस 2 गया तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 1। अब जब माइनस 1 बचेगा तो मोल के भी पावर माइनस 1 दे देंगे, तो मोल माइनस 1, और ये माइनस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर का पावर जब रहता है तो उसको अलग करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल के पावर अभी था 1 और 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, और लीटर माइनस 1 और माइनस 1 गुना होके 1, माइनस 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 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 को छोड़ भी सकते हैं, तो पर मोल लीटर प्रति सेकेंड। तो यह हो गया द्वितीय कोटि के लिए व्यंजक। तो अभी हम लोग एक सारांश के तौर पे एक वक्स देते हैं, और उस वक्स को आप फुलफिल करिएगा, यानी कि उसको भरिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है कोटि, उसके नीचे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल करने के बाद उसी के नीचे लिखेंगे, एक तरफ कोटि लिख लीजिएगा, एक तरफ वेग लिख लीजिएगा, एक तरफ के की इकाई, के की इकाई लिख लीजिएगा, और यहां लिख लीजिएगा शून्य कोटि प्रथम द्वितीय तृतीय फिर चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं तक के करिएगा, दसवीं कोटि तक के। यानी कि आपको जो कॉलम बनाना है, हम शून्य से स्टार्ट करना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी दशमी, यहां तक के आपको कॉलम बनाना है। क्योंकि मेरे पास जगह कम था तो हम इसको तृतीय तक के बनाएंगे, बनाए हैं, और आप दशमी तक के बनाइएगा। और सबके लिए वेग निकालना है और के का इकाई लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वेग जब निकालेंगे शून्य कोटि का, तो आप लिखेंगे dx by dt बराबर k a माइनस x के पावर 0। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि है इसलिए शून्य कर दिए, इसलिए dx by dt बराबर क्या हो गया, k। तो शून्य कोटि के लिए जो वेग आया वो क्या आया, सिर्फ k आया, लेकिन प्रथम कोटि रहेगा तो इसके लिए dx by dt का मान कितना होगा, तो a माइनस x के पावर 1। जब द्वितीय कोटि रहेगा तो इसके लिए वेग कितना होगा प्यारे छात्रों, a माइनस एक्स के पावर 2। तृतीय कोटि रहेगा तो dx by dt इज इक्वल टू a माइनस एक्स के पावर 3। ऐसे ही 10 तक के पूरा कंप्लीट करना है इस टेबल को, सारणी को। चलिए अब k के इकाई के बारे में समझते हैं। तो k का इकाई यहां क्या होता है, तो मोल पर लीटर, पर लीटर के पावर 1 माइनस कितना कोटि का है, शून्य कोटि का है, देख पा रहे होंगे, तो 1 माइनस 0 और इंटू समय के पावर माइनस 1।
प्यारे छात्रों, ये जो अभी ट्रिक सीखे उसी ट्रिक को फुलफिल करके सबका ऐसे मात्रक निकालना है। तो यहाँ 1-0 होगा क्योंकि शून्य कोटि है और समय के पावर सेकेंड के पावर -1 सब में रहेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर 1 में से 0 गया 1, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको काम करेंगे, प्रथम कोटि है तो लिखिएगा सबसे पहले मोल पर लीटर के पावर 1-1 समय के पावर -1 बराबर 1 में से 1 गया 0 और किसी भी संख्या के पावर जब 0 रहता है उसका वैल्यू होता है 1। तो उसका जब वैल्यू 1 हो गया और 1 को समय के पावर -1 से गुणा करेंगे तो समय के पावर -1 हो जाएगा। यानी कि प्रथम कोटि के लिए जो के का इकाई आया प्रति सेकेंड आया, द्वितीय कोटि के लिए तो आप इसको फुलफिल करेंगे मोल पर लीटर प्रति सेकेंड, सॉरी मोल प्रति लीटर, और 1 माइनस कितना देना है द्वितीय कोटि, तो यहां हो जाएगा -2 और समय के पावर -1। तो जब 1 में से -2 घटाएंगे तो यहां बच जाएगा -1, तो यहां हो जाएगा मोल -1 और यहां -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1 और सेकेंड, तो 1 को हटा भी सकते हैं। तो ये द्वितीय कोटि के लिए मेरा के का इकाई हो गया। अब तृतीय के लिए बात करेंगे तो वैसे ही लिखेंगे मोल पर लीटर के पावर 1-3 सेकेंड के पावर -1। अब 1 में से -3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटेगा 1-3 तो यह हो जाएगा -2, तो यहां मोल के पावर देंगे मोल -2 और चूंकि ये -2 को -1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2, -2 × -1 पावर का पावर जब रहता है। सीखे होंगे कि x के पावर 2 का पावर 3 है तो 2 3 जा लिखते हैं ना 6 गुना करके, अगर यहां भी माइनस यहां भी तो 2 3 जा 6 -, प्लस में आ जाएगा। तो बात वही है, यहां लेटर के पावर 2 हो जाएगा और समय के पावर सेकेंड का पर माइनस सब में रहेगा। तो उस तरीके से 10 तक के प्यारे छात्रों इसको सारांश को इस टेबल को पूरा करना है और ये आपको एक तरीके का अंदर की वो भावना को जागृत करेगा ताकि आपका कितना कैसे पावर में रहेगा तो के की इकाई आसानी से निकाल सकते हैं। अक्सर आप भूल भी जाते हैं, ये ऐसा ट्रिक है। जैसे मान लिया कि आपको ये बोलेगा कि 5वीं कोटि का विकिरिया है, अब उसका वेग आप निकालो, या फिर 5वीं कोटि का विकिरिया है आप उसका के का इकाई निकालो, तो आप इन सारा चीज को फॉलो करके आप उसका इस्तेमाल करके और उसका ट्रिक के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। तो ये प्यारे छात्रों हम लोगों का एक ट्रिक था। अब ये जो ट्रिक था हम लोग प्रथम कोटि और शून्य कोटि चाहे कितना भी कोटि सब में कोटि में के लिए काम करेगा। देख पा रहे होंगे शून्य कोटि प्रथम कोटि और सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्रथम कोटि का विक्रिया का व्यंजक प्राप्त करना, उसका के का इकाई क्या होता है इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का के माने वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है तो प्रति सेकेंड होता है। आप बिल्कुल इन चीजों को याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसको 10 तक के कंप्लीट करने के बाद आप जरूर ग्रुप में इसको सेंड कीजिएगा, हम चेक करेंगे। तो फिलहाल ये जो हम लोग ट्रिक सीख रहे थे ये वेग और इसका के का इकाई निकालने का था। अब चूंकि ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट हो रहा है बस एक काम हम लोग का बच गया है वो न्यूमेरिकल्स करने का, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। चूंकि न्यूमेरिकल्स को समझने में थोड़ा सा ये हो सकता है लेंदी हो सकता है, हालांकि उसको हम लोग और प्रयास करेंगे कि ज्यादा तोड़ तोड़ को समझें। तो ये जो न्यूमेरिकल्स वाला जो क्लास है वो अगले दिन चलेगा और अगले दिन का मतलब कल आने वाले क्लास में न्यूमेरिकल्स को हम लोग डन कर लेंगे तो ये चैप्टर हम लोग का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक्स है इसके बाद छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो उसको बस हम लोग समझ लेंगे कि छदम क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर टक्कर सिद्धांत है, तो ये सब बिल्कुल आलतू फालतू का टॉपिक्स है, ये कभी भी इसका जिक्र नहीं करता है। तो इसमें जो हम लोग का मेन है वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है और जो मेन न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग अगले क्लास में, यानी कि अगले क्लास पूरा का पूरा रहने वाला है न्यूमेरिकल से भरा हुआ। तो आप बिल्कुल अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स को करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स डन करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का एक लास्ट 5वें चैप्टर पे हम लोग पहुंचेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन। तो बिल्कुल अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।